हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलह। नालागढ़ में बढ़ते ठगी के मामलों में जनवरी माह में दर्ज 22 लाख धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नालागढ़ पुलिस ने गुड़गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया है। नालागढ़ वार्ड नंबर 8 निवासी राजीव कुमार ने जनवरी माह में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उससे एक व्यक्ति ने बेटे को विदेश भेजने के नाम पर उनसे 22 लाख रुपए लेने के बाद फोन तक उठाना बंद कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी शांतनु जेटली, जो कि पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारे पास स्थानीय निवासी हैं श्री राजीव शर्मा जी, सना पौलाल शर्मा, ये वार्ड नंबर 8 से हैं नालागढ़ से। ये हमारे पास आए, इन्होंने कंप्लेंट की कि अगस्त 2021 में इन्होंने विदेश में खुद नौकरी के लिए व बच्चे को स्टडी वीज़ा लगवाने के लिए ऑनलाइन एजेंट से संपर्क किया। तो जो ऑनलाइन एजेंट जो है, इसका नाम बाद में जो हमें पता चला हमारी साइबर टीम के माध्यम से, इसका नाम शांतनु शर्मा, शांतनु जेतली सना प्रदीप शर्मा, गुड़गांव का रहने वाला है। ये व्यक्ति पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। इसने हमारे जो कंप्लेनेंट हैं राजीव जी, इनसे 2,78,000 रुपये की राशि थी, उसके बाद इनसे संपर्क करना बंद कर दिया। फिर ये लोग इनको दिल्ली मिलने गए तो ये दिल्ली मिल नहीं पाए, जिस पर हमने FIR पंजीकृत की और इस अभियोग का जो अन्वेषण है वो हमारे हेड कांस्टेबल भाग सिंह द्वारा किया गया और हमारी जो साइबर सेल की टीम है उनकी मदद से हमने इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया। हम इस तक पहुँचे और कल हम इसको गिरफ्तार करके लाए हैं। आज इसको माननीय अदालत में पेश करके हम इसका पुलिस रिमांड हासिल करेंगे। जो केस है अभी तो इनिशियल स्टेज पे, अभी तो हम बंदे तक पहुंचे थे, बंदे को अरेस्ट करके ले आए हैं कल। अब उसके ये आगामी प्रक्रिया है। अब मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक निवेदन दोबारा करना चाहूँगा, मैं पूरा में भी निवेदन करता रहता हूँ कि कृपया हर किसी के ऊपर विश्वास ना करें, ये ऑनलाइन ठगियों से बचें। जब तक आप इंश्योर नहीं कर लेते कि हमारी बात ठीक आदमी से हो रही है, तब तक पैसे का लेन देन मत किया करें प्लीज़। ये तो अब तो बहुत सारे मामले आते हैं और अगर आपने देखा होगा तो अभी हाल ही में ये हमारा चौथा केस है जिसको हमने क्रैक किया है। तो अगर मैं 2 महीनों की बात करूँ तो 2 महीने में ही हम चौथा बंदा हम लेके आए हैं। अभी पिछले हफ्ते हम अहमदाबाद से लेके आए हैं, उससे पहले हम UP से लेके आए थे, उससे पहले एक और हम झारखंड से लेके आए थे, अभी कल हम ये गुड़गांव से लेके आए हैं। तो काम चलता रहेगा, हम तो कर ही रहे हैं, बट ये लोगों का भी नैतिक ड्यूटी बनती है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, हमारे सीनियर अफसर बोलते हैं, मैं बहुत बार लोगों के बीच जाता हूँ, पर हमारे ऊपर विश्वास किया करो और हर किसी के झांसे में ना आया करें। ये मेरे आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों से अपील रहेगी। ये जनवरी महीने में हमारे पास शिकायत दर्ज हुई थी। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।